एक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर के साथ कम बच्चों की उपस्थिति सहित मध्याह्न भोजन की मेंटेन रजिस्टर के साथ अन्य दस्तावेज सही नहीं मिला, जिसमें नाराज विधायक ने प्रधान पाठिका के खिलाफ निलंबन के निर्देश दे दिए। दरअसल बिलाईगढ़ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय में उस वक्त खलबली मच गई जब संसदीय सचिव व विधायक चंद्रदेव राय अचानक निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पढ़ने वाली बालिकाओं से शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य सहित कई बातों को जानकारी ली। विधायक राय ने बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर देखना चाहा, लेकिन उन्हें मौके पर रजिस्टर बना नहीं मिला। मध्याह्न भोजन के अलावा और अन्य रजिस्टर भी चेक करना चाहा, लेकिन इसमें भी रजिस्टर बना नहीं मिला, जिससे विधायक नाराज हो गया। वहीं प्रधान पाठिका कुछ जवाब नहीं दे पाई। विधायक ने बीईओ को तत्काल निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय का संतोषजनक जांच कर उन्हें जानकारी दी जाए और गलत पाया जाता है तो प्रधान पाठिका को निलंबित कर दिया जाए। वहीं प्रधान पाठिका जमुना टंडन ने कहा कि हैजा फैलने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल के सभी कार्य प्रोसेस में हैं। और अभी वो निरीक्षण कापी दस्तखत करके मेरे को देना, इनका संतोषपूर्वक जवाब नहीं हुआ निलंबन करना। नहीं आए पहले, पढ़ाई बाधित हुआ कि नहीं हुआ? कब से बनाए हो मध्याह्न भोजन? कितने टाइम भोजन देते हैं? तीनों टाइम निरीक्षण करने आए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में। यहाँ जो बच्चे की उपस्थिति देख कर हमने नाराजगी व्यक्त किया है। 16 जून से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे शिक्षा मंत्री अट्टेकाम साहब जी के निर्देश में शाला प्रोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। जिले में भी हमने शाला प्रोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उसमें हमने कलेक्टर साहब को और डीओ साहब को निर्देशित भी किया था कि अनिवार्य रूप से बच्चे की उपस्थिति हो और सतत मॉनिटरिंग हो। इसके हमने देख लें, आज हम कस्तूरबा आश्रम आए, यहाँ छठवीं में 0 बच्चे हैं, सातवीं में यहाँ 6 बच्चे हैं और आठवीं में यहाँ 4 बच्चे हैं। इस तरीका से आज टोटल 13 बच्चे ही पाए।